हाजीपुर के सैदपुर तहसील अंतर्गत करमपुर गांव स्थित मेघवरण सिंह अखाड़े के होनहार पहलवान उदयवीर यादव ने चेन्नई के महाबलीपुरम में आयोजित ऑल इंडिया सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया है। यह प्रतियोगिता बीते 29 एवं 30 अगस्त को आयोजित हुई थी। उदयवीर 70 किलो भार वर्ग के खिलाड़ी हैं। वे सैदपुर क्षेत्र के कोटिशा गांव के रहने वाले हैं। उदयवीर के प्रशिक्षक अदालत यादव ने बताया कि समुद्र के किनारे हुई इस कुश्ती प्रतियोगिता में 24 राज्यों के पहलवानों ने भाग लिया था। फाइनल में उदयवीर का सामना महाराष्ट्र के शिवम पहलवान से हुआ था। फाइनल में दूसरे नंबर पर आने से पहले उदयवीर ने 4 दूसरे पहलवानों को पराजित किया था। उनके रजत पदक हासिल करने की खबर से क्षेत्र के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर फैल गई। जीत के पश्चात इस होनहार खिलाड़ी का मेघवरण स्टेडियम के प्रबंधक और पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने मेघवरण स्टेडियम में उदयवीर के आगमन पर उनका भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राधे मोहन सिंह ने किया और कहा कि इस करमपुर की मिट्टी में कुछ तो खास बात है, क्योंकि 21 दिन पहले इसी मिट्टी से खेलकर ओलंपिक में रजत पदक दिलाने वाले होनहार खिलाड़ी ललित उपाध्याय का भव्य स्वागत किया गया था और आज इसी मिट्टी में खेलकर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता उदयवीर का भी स्वागत समारोह किया गया। यह हमारे और हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। श्री सिंह ने कहा कि इस उपलब्धि को देखते हुए हमने फैसला किया है कि जल्द ही कुश्ती का एक शानदार खेल मैदान तैयार कराया जाएगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ी इसी तरह से करमपुर और गाजीपुर का नाम रोशन करते रहे। मेरे बड़े भाई तेज बहादुर सिंह उर्फ तेजू सिंह ने जो सपना देखा था, आज वह पूरा हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान गंगा सागर सिंह, रमा शंकर सिंह, हिरन सिंह, हीरा यादव, विजय यादव, पुरुषोत्तम सिंह, राजकुमार शर्मा, सीताराम यादव, बबलू सिंह, महेंद्र सिंह, अनिकेत सिंह, आशुतोष सिंह आदि उपस्थित रहे। सबसे पहले अपने श्री स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी और आदरणीय सांसद श्री राधे मोहन सिंह जी, अपने गुरु, अपने कोच श्री अदालत पहलवान जी और अपने पिता श्री राम जी पहलवान जी और सभी लोग जो आए हैं यहाँ पे, सभी लोग का बहुत ही दिल से अभिनंदन करता हूँ और सभी लोग के आशीर्वाद से, प्यार से और मेहनत, अपनी कड़ी मेहनत की वजह से मैं ये खेल पाया और सेकंड मेडल ला पाया पूरे देश में। जैसा कि कहा जाता है कि स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह तेजू भैया ने हमेशा खेल को बढ़ावा दिया है और ऐसा उनके पिताजी से चला रहा है, उनके भाइयों में है, आज उनकी नई पीढ़ी में भी है, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपके गुरुओं का कितना साथ रहा आपके साथ? मेरा तो शुरू से ही बहुत साथ रहा है और श्री स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी मुझे पहले से ही बोलते थे और जब भी मैं नेशनल खेलने जाता था तो मैं अच्छा खेल गया था, हार जाता था, लेकिन वो बोलते थे कि तुम्हारा मेडल जरूर पड़ेगा, तुम उस लायक हो और तुम बढ़िया से मेहनत करो, और मुझे हमेशा से ही वो पहले से ही सहयोग देते रहे हैं और आशीर्वाद देते रहे हैं, जिसकी वजह से मैं वहाँ तक। जैसा अभी सर ने कहा राधे मोहन सिंह जी ने कि ये खिलाड़ी एक ओलंपियन दे चुका है हॉकी में और आप भी एक कुश्ती में मेडल जीत के आए हैं, आप ही लोगों की वजह से नए पीढ़ियों को ये प्रोत्साहन मिल रहा है, कहीं कहीं इंस्पिरेशन मिल रहा है कि जिसके वजह से राधे मोहन सिंह ने घोषणा किया है कि विश्व स्तर का यहाँ पे भी कुश्ती का स्टेडियम तैयार किया जाएगा। जैसा हम आप लोग पीछे देख पा रहे हैं कि उसकी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है, तो उसके बारे में क्या लगता है कि युवाओं से आप क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि वो अच्छे से मेहनत करें, चाहे वो हॉकी खेलें, चाहे कुश्ती लड़े, चाहे जो भी गेम में खेल रहे हैं, मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे और इंडिया नई ओलंपिक भी जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनका परिवार, तेजू भैया का परिवार, पूरा सहयोग है, राधे चा का परिवार और जो नई पीढ़ी आई है अभी चीकू जैसा, उसको भी खेल को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जो नई खिलाड़ी है, नए खिलाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आप लोग बन रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, हम लोग को देख के ही ये लोग भी ऐसे ही करेंगे, उन लोग अगर अच्छे से करेंगे तो वो लोग भी मेडल लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज ये अवसर हम लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। एक ऐसे इंसान ने जिन्होंने अपना पूरा जीवन हॉकी के लिए, कुश्ती के लिए समर्पित कर दिए थे,
आज जब कोरोना के दौर में जब उनकी मौत हो गई 29 अप्रैल को, उसके बाद जिन सपनों को साकार करने के लिए अपने पूरे जीवन का उन्होंने समर्पण किया था, आज वो हमारे बीच में नहीं है बल्कि उनका सपना साकार हो रहा है। तो यह क्षण उनको याद करने का है और हम लोग याद भी करना है। यह उदयवीर पहलवान कुटसा जो राम जी भाई का लड़का है, अदालत पहलवान जो कोच रहे हैं, बड़े भाई श्री तेज बहादुर सिंह जी के साथ अदालत जी का एक लंबे समय का अनुभव रहा है पहलवानों के बीच। चेन्नई में जो रेसलिंग हुई थी बीच पर, जिसको कहते हैं मिट्टी के अखाड़े पर, जो है यह देश का सबसे बड़ा दंगल था, जिस दंगल में यह रजत पदक जीता है 70 kg के वेट में। मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में उदयवीर आगे करेगा कुछ, जो 2024 का ओलंपिक जो होना है जो पेरिस के अंदर, इसमें भी उदयवीर की तैयारी है। उसके साथ साथ कई लड़के इस अखाड़े के जो अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई बच्चा, जिस तरह से ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल भी हॉकी में इंडिया टीम में है, उदयवीर भी आज देश में 2nd स्थान लाया हुआ, तो करमपुर का स्टेडियम, मेघवरण सिंह का स्टेडियम जो है, अच्छा खिलाड़ी वह पैदा करेगा, यह मेरा स्वयं का है। अभी हम लोग इस पर भी ध्यान दे रहे हैं, जो भाई साहब का एक सपना था तेज बहादुर सिंह जी का, कि 400 मीटर का रेसिंग का एक ट्रैक भी बनने की तैयारी चल रही है, जो है वह भी ट्रैक बहुत जल्दी जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो यह सारी चीज़ें जो उनको सपने को हम लोग पूरी तरह से पूरा करने के लिए बिल्कुल दृढ़ यह संकल्प है। गाजीपुर से CNN न्यूज़ के लिए श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट।